ये है जी वो एरिया, ये देखें ये शिकारी जा रहे हैं, कुत्ता इनके पास है, ये भी शिकार के लिए जा रहे हैं कहीं पे, ये शिकार करेंगे। टूटी फूटी सड़क है लेकिन यहाँ पे शिकार बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए ये सामने जा रहे हैं रेडी वाले, ये भी शिकारी हैं, ये भी कहीं से आए हैं और अपना यहाँ पे कैंप लगाने का सोच रहे हैं। ये बड़ी दूर तक जाता है, पीछे मरबों के हिसाब से टुकड़ का इलाका है, पीछे मरबों के हिसाब से रकबा पड़ा हुआ है जहाँ पे शिकार होता है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी यहाँ से बस भी गुजरी है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे मुर्गाबी का शिकार होता है। आपको शायद नज़र आ रहा हो वो पीछे पानी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आपको अब नज़र आएगा, और जहाँ पे बेटे भी चर रही हैं खाना अपना चारा चर रही हैं, वो पीछे कसीर तादाद में पानी नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए साथ साथ जंगल है बहुत ज़्यादा, वो पीछे तक जंगल चला जाता है। ये मेरा बेटा है छोटा इब्राहिम, और ये बड़े वाला अवैस। ये देखिए यहाँ पर न ये बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से रामपुरा खराजपुरा जाते वक्त मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर काला तीतर और दूसरा तीतर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये इलाका थोड़ा सा डेंजरस भी है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है बहुत कम। आज मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे बस को आते हुए देखा है, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो शूट करना पसंद किया। और मेरे पास बाइक जो है वो भी अप्लाइड फायर है, वो ना हो कोई यहाँ पर पहुँचा खड़ा हो, तो हम इसलिए यहाँ से अब कुछ करना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुर्गाबी का शिकार होता है, बड़ी बड़ी दूर से लाहौर तक से लोग आते हैं यहाँ पे शिकार करने के लिए। ये सारी जो है ना पीछे तक झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुर्गाबी होती है, यहीं पे अंडे देती हैं, यहीं पे बच्चे देती हैं। ये देखिए जी बगले, जहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर बगले आ जाते हैं, और कितनी तादाद में बगले बैठे हुए हैं। वो ईगल था, ईगल थोड़ा सा दूर चला गया, अब जैसे ही वो ईगल दोबारा आएगा तो फिर ये जैसे ही उड़ेंगे तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करेंगे। जिधर भी पानी लगता है उसके साथ साथ फसल में जहाँ पे पानी लग रहा होता है वहाँ पे ये बड़े ही कसीर तादाद में पहुँच जाते हैं। ऐसे समझ लें इनका दावत वलीमा होता है जहाँ भी पानी लगा होता है। ये है जी सफ़ेदे का बाग, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। ये आ गया, एक वो सामने चला गया, एक वो पीछे चला गया, और इसी तरह पीछे भी हम काफ़ी छोड़ के आए हैं। ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सेम होती है, पानी खड़ा होता है वहाँ पे फसल नहीं हो सकती, वहाँ पे पहले सफ़ेदे लगाते हैं। सफ़ेदे लगाने से ये है कि ये सारी जो सेम है उसको चूस लेते हैं और इलाके को खुश्क कर देते हैं, खुश्क होने के बाद फिर जो है यहाँ पे सुकून से फसल हो सकती है। ये जो नीचे आपको गंदम की फसल नज़र आ रही है, इन एकड़ के अंदर भी ऐसा ही सूरत हाल था, लेकिन अब जो है यहाँ पर गंदम की एकड़ आसानी से काश्त की जा सकती है। और ये तमाम मलक नहर के साथ साथ का जो इलाका है वहाँ पे ऐसे ही सूरत हाल थी, ऐसे ही सूरत हाल थी। ये देखिए नहर के साथ साथ जो बकरियों वाले भी जा रहे हैं, ये इस तरफ ये जो कमाद लगाया हुआ है ये मलक के नहर के साथ साथ, वो देखिए उस तरफ भी सफ़ेदे लगे हुए बहुत ज़्यादा। ये सफ़ेदा सिर्फ इसी वजह से लगाया जाता है ताकि ये जो पानी है इसको चूस लेता है, उसके बाद फिर फसल जो है वहाँ पर आराम से हो सकती है।